in this lecture we will discuss about the filter design basically from now onwards we will focus on chapter 9 of shom series हम लोगों ने previously देखा है कि हमारे पास एक होता है ideal filter ideal filter की characteristics क्या होती हैं अगर हम लोग उनको ग्राफिकली प्लॉट करें हम लोग सपोज करते हैं एक लेते हैं वो है लो पास आइडियल फिल्टर उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी ग्राफिकली उसकी शेप ये वाली होगी तो ये फ़िल्टर क्या है हमारा लो पास फिल्टर है जो कि जीरो से ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी तक को पास होने देता है और ओमेगा सी से लेके जो टू पाई तक फ्रिक्वेंसी है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं तो ये वाला हमारी पास बैंड होती है पास बैंड का रीजन होता है और ये वाला हमारा स्टॉप बैंड का रीजन अब ये हमारा लो आइडियल लो पास फिल्टर। अब इसमें आइडियल क्या है आइडियल ये है कि जी एक तो पास बैंड के अंदर ये जो गेन है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है इसी तरह स्टॉप बैंड के अंदर ये आइडियल हम लोग एक्सपोज करते हैं कि ये बिल्कुल जीरो गेन कर देते हैं। सेकंड क्या है कि इसकी जो ट्रांजिशन है वो वन से जीरो की तरफ ये बहुत शार्प है ये दो चीजों की वजह से ये यहाँ आइडियल है प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें अगर हमारा जो ऐसा फिल्टर होगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो फिल्टर है वो नॉन कॉजल होगा कि हम लोगों ने जब आइडियल फिल्टर करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये नॉन कॉजल होता है अब नॉन कॉजल है तो ऐसे सिस्टम को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है अब हमने अगर ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए ये हमें करना पड़ेगा कि ये जो हमारी आइडियल फिल्टर की करेक्टरिस्टिक्स हैं हमें इस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अब कॉम्प्रोमाइज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो पास बैंड है इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट ना हो ये स्लाइटली से ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यूज हो सकती हैं तो इस तरह के वैल्यूज हो जाए एक तो ये है सेकेंड ये है कि जी ये जो शार्प ट्रांजिशन आ रही है ये भी शार्प ना हो थर्ड ये है कि ये जो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये एक्जेक्टली जीरो है ये भी जीरो के इक्वल ना हो इसमें भी थोड़ी बहुत हमारे पास जो है वो वेरिएशन पॉसिबल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास रियल टाइम फिल्टर हो जाएगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह का होगा ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है ये है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकली रियलाइजेबल फ़िल्टर अब ये जो है ये हमारे पास फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल पॉसिबल है अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमारे पास ये जो है ये वाला रीजन ये उसका पास बैंड है और ये वाला उसका स्टॉप एंड है अब हाँ पासमेंट में देखें हमने देखा था कि आइडियल तो ये होता है कि ये इस तरह कांस्टेंट हो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे थोड़ी बहुत के हैं हमारे पास फ्लक्चुएशन आती है तो ये जो फ्लक्चुएशन आती है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे पासमैंड के अंदर रिपल्स आ रहे हैं तो यह ये वाले सारे हो जाएंगे पासमैंड रिपल्स इसी तरह हमारे पास ये जो स्टॉप बैंड है यहाँ पे ये जो चीजें चेंज आ रही है इनको हम लोग कह देते हैं स्टॉप बैंड रिपल्स सेकेंड हमारे पास ये ट्रांजिशन जो है ये अप्रोप नहीं है ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है ओके ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रैक्टिकली रियलाइजेबल फिल्टर हो जाएगा इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं उनमें से पहला पैरामीटर है कि जी जहां पे आपका ये जो पास बैंड है इसका एज आ रहा है ये जो फ्रिक्वेंसी है ये हमारे पास हो जाएगी ओमेगा पी इसी तरह जहां पे आपका स्टॉप बैंड स्टार्ट हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग एज है उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा से जीरो से लेके ओमेगा पी तक ये वाला जो सारा रीजन है इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ ए फिल्टर ये हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर होगी और ये बेसिकली हमारा बैंड रीजन है पासबैंड रीजन की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो कि ज़ीरो है और हाईस्ट फ्रिक्वेंसी जो कि ओमेगा पी है तो ओमेगा पी माइनस ज़ीरो बेसिकली हमारे पास हमारे फिल्टर की बैंडविड्थ आ जाएगी और ओमेगा एस से लेके ओमेगा पी तक जो ये वाला रीजन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फिल्टर की ट्रांजिशन बैंड है और ये मैथमेटिकली इक्वल होगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी के इक्वल और ये वाला ओमेगा एस से लेके जो आगे तक ये सारा रीजन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे फिल्टर का स्टॉप एंड हो जाएगा ओके okay, ये हो गया एक थर्ड पैरामीटर है वो क्या है कि हमने तो कहा था कि जी ये हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन ये कांस्टेंट के क्रॉस ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये अगर वन है तो इसके अंदर वन की ये हो जाएगा वन प्लस डेल्टा पी और ये जो लोअर वैल्यू है ये हो जाएगी वन माइनस डेल्टा पी ओके इसी तरह जो ये वाला है ये वाली वैल्यू जिससे नीचे नीचे ये सारी वैल्यूज आ रही हैं ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस ये आ जाएगा जो ये डेल्टा पी है इसको हम लोग कहते हैं स्टॉप सॉरी पास बैंड डेविएशन और ये जो डेल्टा एस है इसको हम लोग कहते हैं स्टॉप बैंड डेविएशन बेसिकली जब भी हम लोग अपना एक प्रैक्टिकली रियलाइजेबल फिल्टर प्लॉट डिजाइन करना चाहेंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे उनमें से एक होगा डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस डेल्टा पी डेल्टा एस डब्ल्यू पी है हमारे पास पासबैंड फ्रिक्वेंसी डब्ल्यू एस है हमारे पास स्टॉप बैंड कट फ्रिक्वेंसी डेल्टा पी है हमारे पास पासबैंड डेविएशन और डेल्टा एस है हमारे पास स्टॉप डेविएशन। तो ये हमारे पास फोर पैरामीटर्स होंगे के हमारे फिल्टर्स जो हम फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कैसा होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे तो बेसिकली उसके अंदर ये वाले फोर पैरामीटर्स होंगे ये जो हमने प्लॉट किया हुआ है ये बेसिकली इसका जो वाई एक्सिस है वो है एच ऑफ ओमेगा अब प्रोकस के अंदर इसको एच ऑफ ओमेगा लेते थे लेकिन शॉर्म सीरीज के अंदर वो इसको एच ऑफ पवर जे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों सेम चीज़ें हैं कोई डिफरेंस नहीं है जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है कि ये एच ऑफ ओमेगा लिखते हैं और ये एच ऑफ ई रेस पावर माइनस डी ओमेगा लिखते हैं अदरवाइज ये चीज़ सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है तो बेसिकली इसके क्रॉस ये क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एक प्रैक्टिकली रियलाइजेबल फिल्टर आ जाता है और इस फिल्टर के डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ये फोर पैरामीटर्स होंगे हमें गिवन होगा कि आपकी ये ये रिक्वायरमेंट है तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपने फिल्टर को डिजाइन करें यह हमने उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है तो उसको हमने रिप्लाट किया है ये है एच फी रेस पावर जे मेगा मैग्नीट्यूड अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी वो बेसिकली क्या बनेंगे वो ये आ जाएगी कि हमारे पास एच ओ फी रेज पावर जे मेगा का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो कि ये वाली है वन माइनस डेल्टा पी से और लेस देन क्या है वन प्लस डेल्टा पी कब जब हमारे पास ओमेगा की रेंज क्या है ग्रेटर ओमेगा इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ओमेगा पी ये वाली वैल्यू है एक्चुअली हमने ये वाली रीजन को लिख ली है अब अगर हम लोग इस रीजन को लिखें, तो ये रीजन क्या है कि हमारे पास ऑफ डेल्टा एस कब जब हमारे पास ओमेगा जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा एस और लेस टू पाईकली ये कहाँ तक जा रही है पाई तक जा रहा है तो इस ग्राफिकल रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये वाली है अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास पैरामीटर्स के हैं डेल्टा पी मेगा पी डेल्टा एस और ओमेगा एस तो ये फोर पैरामीटर्स हैं जो कि हमें इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड। है जनरली जो हमारे पास डेल्टा पी और जो डेल्टा एस है ये हमारे पास लीनियर स्केल में गिवन नहीं होता बल्कि डेसीबल में गिवन होते हैं जब हम लोग नमेरिकल्स देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये वैल्यूज डेसीबल में गिवन है तो ये एक्चुअली डेसीबल में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि हम लोग लेते हैं अल्फा पी इज इक्वल टू तो माइनस ट्वेंटी लॉगरिथमिक वन माइनस डेल्टा पी और इसी तरह अल्फा एस इज इक्वल टू तो माइनस ट्वेंटी लॉगरिथमिक डेल्टा ऑफ एस तो वन माइनस डेल्टा पी का माइनस ट्वेंटी लॉगरिथमिक ले लें तो हमारे पास ये अल्फा पी आ जाता है और डेल्टा एस का माइनस ट्वेंटी लॉगरिथमिक ले लें तो ये हमारे पास अल्फा एस आ जाता है तो ये जो हमारे पास पास बैंड एंड स्टॉप है ये नॉर्मली जो हमारे पास डेसिबल्स में गिवन होंगे और वो एक्चुअली इन फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं सेकेंड चीज़ है कि जी पास ट्रांजिशन बैंड वो हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन बैंड होगा तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? ओमेगा एस माइनस मेगा